असम के नलबारी में परिवहन विभाग ने आज राष्ट्रीय पथ सुरक्षा महीने का आखिरी कार्यक्रम किया। बता दें कि बीते 18 जनवरी से आज तक लगातार ये कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान पहले परिवहन विभाग ने असम राज्य परिवहन निगम के कार्यालय से एक रैली निकाली, जो कि नलबारी शहर से होकर परिवहन अधिकारी कार्यालय तक पहुंची, जिसके बाद परिवहन कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर नलबारी के अतिरिक्त उपायुक्त फिरदौस आलम शेख, अतिरिक्त आरसी अधीक्षक चिलिकुल इचेन और परिवहन अधिकारी सीमांत बोरा उपस्थित रहे। हम लोग जो इंडिया में रोड सेफ्टी प्रोग्राम चल रहा है 18 जनवरी से 17 तारीख तक फरवरी के, इंडिया के साथ आसाम ही है, नलबारी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये जो पदक्षेप लिया है रोड सेफ्टी के लिए, वो हम कर रहे हैं। जो मीटिंग कर रहा है स्कूल कॉलेज में, जो रैली कर रहा है, आज लास्ट डे 17 फरवरी है आज और लास्ट डेट है। और यहाँ हम लोग एक रैली किया है और उसका बाद हमारे ऑफिस में एक मीटिंग होगा, जो हमारा गेस्ट लोग को बुलाया है, डीसी ऑफिस का, कोई डीसी मैम का, एमएलए साहब का और एडीसी लोग का हम बुलाया है, और पब्लिक भी रहेगा। गाड़ी जो गाड़ी आदि भी टेम्पो मैजिक मोटरसाइकिल सब रैली कर रहा है। इसका साथ वो लोग का साथ हमने सतर्कता सभा के लिए जो क्या क्या करना है रोड में चलने से, क्या करना है, क्या करना पड़ेगा। हम लोग बहुत एक्सीडेंट हो रहा है आजकल, बहुत एक्सीडेंट होता है नेशनल हाईवे, जहाँ भी हो एक्सीडेंट होता है। इसे एक्सीडेंट रूट करने के लिए, एक्सीडेंट कमाने के लिए, कम होने के लिए हम रोड सुरक्षा सभा कर रहा हूँ। स्कूल कॉलेज मीटिंग रोड से वहाँ पर कर रहा हूँ। स्टूडेंट से बात किया है, हमारा साथ आर्मी भी दिया है, आर्मी लोग भी हमारा साथ दिया, एनसीसी दिया, सबका साथ हम इसे प्रॉब्लम कर रहा है।